एक्सपीरियंस विद विद्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू रेसिपीज विद विद्या यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं टेस्टी पुदीना की चटनी। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक टेस्टी पुदीना चटनी। आप लोग देख रहे हैं रेसिपीज विद विद्या यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं पुदीना की चटनी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए जो साहित्य है वो लिख लीजिए। पुदीना चटनी बनाने के लिए हमें पुदीना, फ्रेश पुदीना लगने वाला है, जो इस तरह से हमने पुदीना के जो पत्ते हैं वो अलग कर लिए हैं, उसे वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज, जीरा यानी कमिंस सीड, नमक यानी साल्ट, छाज या कड़, हमने कड़ लिया है कड़, और लहसुन की कुछ कलियां हमें इंग्रेडिएंट के तौर पर लगेगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। पहले हम सभी पुदीना के पत्तों को हम मिक्सर में डालते हैं, उसे हमें अच्छी तरह से पीसना है। स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, हमने दो हरी मिर्च ली है, काफी तीखी है, गार्लिक, जीरा यानी कमिन सीड एक चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक, साल्ट और कड़ दो चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये सभी मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर में चटनी अच्छी तरह से पीसने के लिए हमें कुछ पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए अब हमारी चटनी जो है मिक्सर में अच्छी तरह से बन चुकी है। देखिए कैसी पतली होनी चाहिए। याद रखे कि जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े ना रहे। जैसे हमने पुदीना की चटनी इस बाउल में निकाली है, देखिए कितना अच्छा कलर उसका आया है। जिस तरह से अच्छा कलर आया है उससे भी ज़्यादा उसकी सुगंध आ रही है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सजाते हैं, कुछ पुदीने की पत्तियाँ हम उसके ऊपर अगर रख दे तो और भी अच्छा लगता है। इस पुदीने की चटनी को हम सैंडविच के साथ में सर्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे अलग अलग वीडियो हम विद्याज रेसिपी के चैनल से हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं, और भी ऐसे जो वीडियोज़ हैं हम आपकी तरफ लेके आएंगे। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है, और अगले वक्त हम ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।